दावत के अंदर और दावत थी हम लोग को सुबह में जल्दी, मतलब बेटा दावत खाने जा रही तो गाइस अभी हम लोग को दावत थी सुबह की, मतलब दोपहर के खाने की। पर माशाल्लाह से हम लोग का तो हर बार की तरह ये सुफियान के वजह से ना, ये सुफियान ही हमेशा कांड करते हैं कसम से। मैं इसको बोला था 12 बजे निकल जाएगा बेटा, मेरा पति दिखता है तुम्हारे को सबसे लास्ट बेटा, जितना सीधा दिखता है तेको उतना है नहीं है। नहीं, लेकिन सबसे लास्ट यही तैयार हुए। मैंने जो टाइम बोला था मैं तो वो टाइम पर रेडी होके बैठ गया। असल में सुफियान ने शानपति ये किया ना गाइस के, उसने बोला कि सब तैयार हो जाना फिर मुझे उठाना। हां तो वो फटाफट तैयार हो गया, तुम सबसे लास्ट तैयार हुए। हां देखो गाइस मेरे कितने दुश्मन है, कोई बात नहीं, अल्लाह इज्जत देने वाला है। सबसे बड़ा गाइस आज डड्डू के साथ सीन हो गया। क्या डड्डू के साथ सीन ये हुआ है कि आज कल रात से एक्चुअली डड्डू निकल घूम रहे थे और चड्डा पहन के, तो मम्मी ने इनको इशारा किए तो डड्डू समझे नहीं। अब सुबह में मैंने अचानक से देखी डड्डू चलते हुए जा रहे थे, तो मैं बोली पीछे से अजीब सा पैच कैसा है, तो मेरे डड्डू को बोली डड्डू ये क्या है, तो देखी तो बोले डड्डू फटी हुई चट्टे, और उससे पहले डड्डू नीचे गए पाव लेके आए गाड़ी में तेल डलवा के आए और फिर बाद में स्त्री के लिए कपड़े भी देने गए थे। तो मतलब सब तक के पूरे लोगों ने तुम्हारी कहानी देख ली, लोगों को लग रहा है रास्ते में प्रैंक करे, पब्लिक प्रैंक रिएक्शन प्रैंक इधर कैमरा वैमरा लगा के। डड्डू एक दिन ऐसा करूंगी मैं तुम्हारे साथ, टेंशन कोई मसला नहीं है गाइस, हम भी तो एक इंसान ही है, कोई जानवर थोड़ी है। तुम्हारे को नीचे देख के लड़कियां हंस रही थी, तुमको लगा कि वो रोज हंसती तो आज भी हंस रही है। हाँ वो एक सीन हो चुका एग्जैक्टली, वो देख के स्माइल दी तो मुझे लगा कि शायद देती रही है ऑलवेज, तो वो सब ओहो धर्मेंद्र की इज्जत पिक्चर ऐसा फटावा छड्डा पहन के जाता है कोई। कल तुमको रात को मैंने इशारा भी की थी, तुमको इतना भी नहीं, अल्लाह ने जबान दिया बोलने के लिए बोलने का। अब सब बैठे हुए थे जैसा बोलू छड्डा फटा है, घर वाले ही थे, अम्मी थे खाली नहीं, अरसलान इलाका भी सब लोग भी थे, तो अरसलान भी तो अपने घर का बच्चा है। मेरी दोस्त के सामने फटे हुए छड्डे में घूम रहे थे, बताओ बच्चे लोगों को पता होना चाहिए काम का करता है मेरा बाप। क्या बोलती बेटा, सही बात है सही बात है। अभी हम लोग को मालूम पड़ा डड्डू यहाँ पे आते हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ इमरजेंसी में तो हम लोग भी आ सकते ना यहाँ पे। क्यों बेटा इमरजेंसी? अरे कभी तुम बोले कि मेरी गाड़ी नहीं चालू है कुछ नहीं, तो हम लोग को तो याद रहेगा ना, मालूम रहेगा कि यहाँ पे फौरन पहुँच जाएंगे। बेटा मैं वो पागल दीवाना बाप नहीं हूँ जो गाड़ी के लिए मैं दूसरों को बुलाऊंगा, मैं सीधा फोन करूंगा टैक्सी पकड़ूंगा घर पे जाऊंगा, वहां से मैकेनिक को एड्रेस दूंगा और बोलूंगा बेटा गाड़ी जाके उठा के लेके आ जा, शॉर्टकट में काम करते हैं वो। व्हाई आर यू टेकिंग, कोई दोस्त से लिफ्ट मांगेंगे बोलेंगे गाड़ी इधर ही पार्क कर देता हूं, दोस्त बोलेंगे मेरे घर पे रुमाल पिना के बिठाए हो और उसको चेहरा नहीं दिखाई। तो गाइस हम लोग अभी फिलहाल जिसके घर पे दावत में जा रहे हैं, तो वो तो बिचारी ने सुबह से इतने फोन कर दिए मालूम है बेटा, आई नो वेरी वेल, तो इतने फोन कर दी गए अरे जल्दी आओ, मगर क्या करे सुफियान भाई, एक हजार बार और एक हजार बार। और अली तो बहुत खुश है जाने के लिए कि बोले मैं वहाँ जाऊंगा। सच बोलेगा अली किसके वजह से लेट हुआ, सच्ची बता किसके सबसे ज्यादा किसके वजह से लेट हुआ है, उनका नाम आता है सर। सबसे पहले मेरा जोहान रेडी हुआ, नहा धो के एकदम चिल हो गया, दूध वूध पी के सो गया था मेरा बच्चा, सबसे पहले मेरा जोहान। तो चलो गाइस अभी इसके बाद शायद मेरे ख्याल से नीदा अपनी तरफ से पार्टी भी देगी, दावत के बाद ढाबे पे भी लेके जाएगी, बोल रही थी लोनावला भी चलेंगे डड्डू, मैं नहीं बोलती हूँ लोनावला तक चलेंगे डड्डू, ऐसा बोली चलेंगे चलते हुए जाओगे मेरे घर से लोनावला बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है। सुफियान बोला अंकल तुमको कोई पार्टी नहीं दिया जोहान की, बेफिक्र रहो अपन लोनावला भी जाएंगे। हम लोगों किसी ने नहीं पार्टी दिया अभी तक कि जोहान को हमने पैदा किया, तो बोलना बेटा आजाद होटल के बहुत पार्टी वाले खड़े रहते, पार्टी हम लोग को देना चाहिए कि तुम लोगों ने नहीं दादादादी बनाया हम लोग ने, अभी तक किसी ने हम लोग को पार्टी नहीं दिया। बोलना मेरा बच्चा दादा दादी सब मिलकर गेट टूगेदर करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अपन बंगला लेंगे और फुल धमाल करेंगे, थोड़ा बारिश आन दो क्योंकि गर्म में कोई मतलब नहीं बेटा, इतना पैसा गर्म में तो पूल में जाता है इंसान डड्डू, ठंडी में चलो वाटर किंगडम चलते हैं। जोहान को लेके कैसे जाएंगे, तो बंगला करते हैं फ्राइडे नाइट्स का, और क्या चलो नाइट्स का। तो गाइस अभी चलो हम लोग मिलते हैं डायरेक्ट, और रस्ते में क्या क्या हम लोग दावत करते हुए जाएंगे वो देखते हैं। अभी आएगा ना सीलिंग के पास कोस्टल रोड जो बन रहा है, हाँ कोस्टल रोड भी दिखाते हैं, पता नहीं कहाँ तक पहुँचा है। नहीं आने के टाइम सुफियान तूने बिल्कुल बराबर बोला था, तूने बराबर बोला था मेरे को के अपना अंकल जाने में नहीं आने में है ये बात। कल मैं जब पॉइंट से आ रहा था ना कॉन्सुलेट से, तो मैं ना खास गाड़ी रुका के देखा
क्योंकि हम लोग बासित को गए थे, हम लोग को नहीं जाने मिला। अच्छा नहीं, लोग चाह रहे कि मैं अंदर एंट्री मारूं ना, उसके बाद इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद ही लोग ओपनिंग करने की सोच रहे कि मैं जब तक पास नहीं करूंगा बेटा ये होगा नहीं। अरे हाँ वो ब्रिज बना ना अंकल, देखे तुमने? हाँ ये देख लिया बेटा, ये अरे वो दो दिन में लोग ने बना के चढ़ाया। कौन सा? ये गोल वाला? ग्रीन, ग्रीन वाला। हाँ कोई बात नहीं, मेरा देश है जैसा आ गाइस, इसके लिए कुछ भी बोलते कुछ भी बोलते। तो गाइज अभी हम लोग वर्ली सीलिंग चढ़ चुके हैं। देखो गाइज बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है पहली बार आया हूँ, मजाक कर रहा हूँ, सही में अच्छा लग रहा है। हमारा इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। व्हाई वी आर गोइंग इन दुबई, ऑलवेज इंडिया ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। इंडिया तरक्की भी अपने पैसे से भी पैसे पे कर रहा है। टैक्सेस जो भर रहे अपन, रोड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, उससे ही तो हो रहा है सब। नहीं टैक्स देना चाहिए, जीएसटी देना चाहिए तो अच्छा रहता है, ऐसी चीजें बनती है। लेकिन कितना तो अपना जो 40 अपने अपनी इनकम का 40% अपन ऑलरेडी गवर्नमेंट को देते, उसके बाद भी अपने को सही रोड नहीं मिलते, ट्रैफिक क्लियर नहीं होती है, खड्डे पे खड्डे कूदे रहते, 40% देने के बाद भी अपना फायदा क्या है? नहीं नहीं चलो कोई बात, इनकम में से 40% दे रहे हैं प्लस बिजनेस में से 12% भी दे रहे हैं। हाँ मैं तुम्हारे दुखड़े समझता हूँ गाइस, इससे टैक्स भर भर के एकदम परेशान हो गया है। 52% अपन गवर्नमेंट को दे रहे हैं अपने। ओह माय गॉड, इसलिए बेरोजगार रहो क्योंकि टैक्स देने की जरूरत ही ना हो, ठीक है ना? तो चलो उसमें भी टैक्स होता है, उसमें भी जीएसटी भर रहे हो, हर चीज में टैक्स, एक चीज में जीएसटी है डड्डू। ठीक है गाइस, ये दुकड़ा वही सोच सकता है जिनका खुद का बिजनेस हो, तो गाइस इसलिए मैं खुद का बिजनेस करता ही नहीं हूँ। और अभी हम लोग थोड़ा नजदीक पहुंच चुके हैं मंजिल से, अभी थोड़ा सा बाकी, मतलब आप गैस करके बताओ कि हम लोग आखिर में जा रहे कहाँ है, वर्ली सीलिंग से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग देखता हूँ मैं कमेंट में बताना कि हम लोग कहाँ पहुँचने वाले, किसके आज घर पे दावत खा के आज आराम करने वाले, तो आप लोग के भी घर पे दावत में जरूर बुलाना। तो गाइस फाइनली मेरी और निधा की लग गई है शर्त, नहीं लगानी चाहिए पर हमने थोड़ा सा फैमिली यू नो जो हारेगा इसका देना पड़ेगा पैसा। अच्छा ऐसा है क्या? चलो ठीक है। तो गाइस जड्डू ने बोले है कि हम लोग जा रहे हैं मीरा रोड, तो मीरा रोड पहुंचेंगे हम लोग 6:05 को और अभी बज रहे 5:52 और अगर हम लोग 6:05 के एक मिनट भी ऊपर पहुंचे तो डड्डू हार गए, ₹1000 देना पड़ेगा डड्डू को। और अगर जल्दी पहुंच गए 6:05 तक भी पहुंच गए तो मैं दूंगी ₹1000। मीरा रोड में किधर? मीरा रोड, बस मीरा रोड पहुंचना चाहिए, मीरा रोड टच होना है ना, मीरा रोड टच, तो हाईवे हाईवे मीरा रोड टच हो गया है। मैं अंदर गली के अंदर बोला, चल तेरे को जा रहे ना बिल्डिंग तक, जा दावत है वहाँ पर पहुंचे तक के तू बोल रहा, चलो समझ ठीक है। बट भाई गाड़ी तो तेरे हाथ में बैठा, तू तो तेरी औरत को जिता सकता है। तो देखो तुम्हारा कैमरा चल रहा, कंटिन्यू मेरी स्पीड कम नहीं हुई, जितनी स्पीड में चल रहा उतनी स्पीड पे, इतना लंबा ब्लॉग थोड़ी सीआईडी बना रहा हूँ मैं, जो पूरा दिन का ब्लॉग नहीं हुआ, भरोसे भरोसे पे चलना पड़ेगा फिर। तो गाइस देखते हैं अभी हम लोग का ये चैलेंज हो चुका है, पे लंबी हो जाएगी अपने को यहाँ पर, क्यों जो लंबी होगी नहीं मेरे लिए सब हो गया है। तो फिर मीरा रोड अभी दूर है, पहुंचे नहीं है अभी मीरा रोड, कितना टाइम बाकी है? 15 मिनट है, 15 मिनट अभी आंख बंद कर, 15 साल निकल जा रहे। अरे देख लो, अरे तुम्हारा भाई 2 महीने का था, 7 साल का है। तो गाइस अभी मैं जीतने की कतार में हूँ, करते रहो, हम लोग की तो आवाज आएंगी ही नहीं, हम लोग की कगार तो ये अभी हारने वाली है, इसलिए देखो चढ़ापे में आ चुकी है ये। देखो नहीं अभी बेटा सुफियान देख, अभी एक फोन मारता हूँ मैं, बेटा जरा लाइव फटाफट कर, चल मेरी गाड़ी पीछे ही है। क्या एक आ गया फोन? तो चलो गाइस पहुंच के मैं बताऊंगा लोकेशन पे कि हम लोग कितने बजे पहुंच। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ लोकेशन के ऊपर और निधा हार चुकी है। देखो 6:02 हो गया है, ये क्या, ये हैप्पी अंकल आ गए, यासे राइट में हैप्पी अंकल जी, मैं अपने को सीधा जाने का क्योंकि खाली आप किसी के घर पे जाना नहीं है, दूर है यहाँ से, बस ये राइट में लेगा। हम कैसे मान ले, हमको पता ही नहीं। हमको पता नहीं, पहले घर पे चलो, उसके बाद पहले घर पे चलते, अब ये यू टर्न मारेगा उसमें 5 मिनट चले जाऊंगा, घर पे जाकर देखना पड़ेगा पहले टाइम कितना हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। तीन मिनट लगेगा कचरा निकालने में। तो देखो गाइस ये अभी टाइम पास कर रहा है, देख रहे हैं आप दोनों मियां बीवी की साजिश, एक गरीब बाप मासूम से बाप को कचरा बना रहा है। अरे बेटा पीछे प्रेशर मशीन है वहाँ धुलवा डालते, 5 मिनट और ले ले। नहीं लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं हैप्पी अंकल के पास। हम लोग यकीन कैसे करेंगे, तुमने मेरे घर के नीचे, घर के नीचे, घर के नीचे तुम लोग को कुछ लेने का तो अभी क्या करेंगे। अच्छा हो इसने ये नहीं बोला पोटी आई अंकल रुक जाओ, फिर तो टाइम मिलेगा ही ना,
वो सब चीज का थोड़ी चैलेंज लगा नहीं था। एक नंबर दो नंबर सब कर दिया। अच्छे से पूछो, अच्छे से पूछो। हाँ हो गया टाइम, मीरा रोड में अंदर घुस गए। जल्दी हो, जल्दी पूछो। एक काम कर, आजू बाजू में देखो, नहाने का भी तो, नहाने का भी होगा तो देखते। अरे 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 अरे, कितना इज्जत से बोल रहे यार। अरे लोगों ड्राई नहीं, वेट टिश्यू, वेट टिश्यू। ड्राई सामने ही पड़ा हुआ है बेटा। हाँ ड्राई भी बड़ा हुआ। ड्राई बताओ, ये मासूम बाप को ये लोग कैसा एड़ा बना रही है 1000 रुपए के लिए। मारो मुंह पे, मारो 1000 रुपए मुंह पे मारो। चाहिए मेरे को 1000 रुपए के, नहाना है मेरे को 1000 रुपए के। लेकिन तू हार गई ना, चल करवा के। सुफियान ने ये जोहान बोला था, जिम भी जाने का। कि अपन कुछ खरीदेंगे वरीदेंगे वो सब होने के बाद 5 मिनट में। चलो भाई जान दो, बच्चे लोग से क्या पैसा लेना, मैं तो बल मुट्ठी देते ही रहता। कोई बात नहीं, तो आप लोग के भी घर पे दावत में जरूर बुलाना। लास्ट